हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे आठवें अध्याय से लेकर दसवें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं आठवें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहद कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आठवां अध्याय। श्री कृष्ण के अन्य संस्कार और बाल लीलाएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी थे। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। गर्गाचार्य को देखकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से आचार्य गर्ग का आदर सत्कार किया और उनकी चरण वंदना करके उनसे अपने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराने की प्रार्थना की। आचार्य गर्ग ने कहा, नंद जी, मैं समस्त यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदि मैं इनका नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस तत्काल समझ जाएगा कि यह देवकी का आठवां पुत्र है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी गहरी मित्रता है। वह दुष्ट यह संदेह करने में विलंब नहीं लगाएगा कि तुमने उनके पुत्र को अपने यहाँ आश्रय दिया हुआ है। जब से देवकी के आठवें गर्भ की कन्या से उसने यह सुना है कि उसे मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुका है, तब से उसे यह शक है कि देवकी के आठवें गर्भ से कन्या नहीं कोई पुत्र हुआ होगा। उसे वसुदेव ने चुपचाप कहीं पहुंचा दिया होगा। वह कहीं तुम्हारे पास तो नहीं भेज दिया गया? यदि मैंने इनका संस्कार किया और कंस ने इन्हें मार डाला तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा।
नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप गुपचुप रूप से गौशाला में स्वस्ति वाचन करके इनके नामकरण कर दीजिए। मैं यशोदा और रोहिणी के अतिरिक्त किसी सगे संबंधी को भी इसकी खबर नहीं दूंगा। राजन, नंद बाबा के ऐसा कहने पर आचार्य गर्ग ने गुप्त रूप से उनका नामकरण संस्कार कर दिया। उन्होंने रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा और कहा, इसके बल की कोई सीमा न होगी, इसलिए यह बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने श्याम वर्ण यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा। इसे लोग श्याम और वसुदेव नाम से भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त इसके बहुत से गुणों के कारण इसके अन्य बहुत से नाम होंगे। यह लोक कल्याण करने वाला महान बालक होगा। समस्त गोप और गौओं को यह आनंदित करने वाला होगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी पार कर लोगे। ब्रजराज, पिछले युग की बात है कि एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था। चोरों और डाकुओं ने लूट खसोट मचा रखी थी। तब पूर्व जन्म में इसी पुत्र की सहायता से उन लुटेरों पर विजय प्राप्त की जा सकी थी। जो भी इस शिशु से प्यार करेंगे वे बहुत भाग्यशाली होंगे। जैसे भगवान विष्णु के शरण में आए व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, उसी प्रकार कृष्ण से प्रेम करने वाला कभी शत्रु से पराजित नहीं हो सकता। गुण, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, शक्ति और ज्ञान में यह बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करना, क्योंकि शत्रु हर समय इस पर घात लगाए रहेगा। परीक्षित, इस प्रकार गर्गाचार्य नंद बाबा को समझा बुझाकर अपने आश्रम लौट आए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा सावधान हो गए। उन्हें आत्मिक आनंद भी हुआ कि इतना महान पुत्र उनके यहां जन्मा है। कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटने के बल चलने लगे। फिर वे जरा बड़े होते ही ग्वाल बालों के साथ गलियों में खेलने लगे। धूल मिट्टी में सने उन्हें देखकर उनकी माताएं प्रसन्न हो उठतीं और उनकी तरह तरह की शैतानियों को देख देख कर प्रसन्न होती रहतीं। थोड़ा बड़ा होते ही वे गोपियों से छेड़छाड़ करने लगे। उनके दही और दूध के मटके छीन लेते, उन्हें खाली करके तोड़ देते, घरों में छींकों के ऊपर रखे मक्खन को चोरी करके खा जाते, गायों के बछड़ों की पूंछ पकड़कर उन्हें ऐंठ देते और जब वे भागते तो उनके पीछे पीछे दौड़ते। गोपियां उनकी शैतानियां देख देख कर हंसती, गुस्सा करती, उनकी शिकायत यशोदा और रोहिणी से करती, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गोपिकाएं भी उनके रूप माधुरी को देखकर प्रसन्न होती। उनकी इच्छा यह कभी नहीं होती थी कि उनकी माता उन्हें कोई दंड दे। उनकी बाल लीलाएं पूरे गोकुल में रहने वालों के लिए आनंद का विषय बनी हुई थी। गोपिकाएं उनकी लीलाओं को देखने के लिए अपना काम धंधा तक छोड़ बैठती थीं। जिस दिन उनकी कोई लीला नहीं होती उस दिन गोपिकाओं का मन
उदास हो जाता और वे बालकों को देखने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके घर पहुंच जाती। राजन, ब्रजवासियों के कन्हैया तो स्वयं भगवान हैं, वे परम सुंदर और मधुर स्वभाव के हैं। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अद्भुत और मन को हरने वाली होती हैं। एक दिन सभी गोपिकाएं यशोदा के पास आईं और कन्हैया की करतूतों को बताने लगीं। अरे यशोदा, तेरा लाडला कान्हा तो बड़ा नटखट हो गयो है री। गाय को दुहने का समय न होने पर भी वह बछड़ों को खोल देता है। हम उसको डांटें तो वे उल्टे हमको ही डांटने लगता है। हम उसका मुंह देखें तो वह हमें देख के ठठा मारकर हंसने लगता है। हम कितनों ही दही दूध को छिपा छिपा के रखें पर वो और उसकी मित्र मंडली चुरा चुरा के सब खा जाते हैं। जो बच जाता है उसे वह बंदरों में बांट देता है। इतना ही नहीं, वह हमारी मटकियों को भी फोड़ देता है। छींकों पर रखे दूध दही को भी नहीं छोड़ता। कभी उखल पर तो कभी ग्वालों के कंधों पर चढ़कर वहां तक पहुंच जाता है। कभी अगर पकड़ा जाए तो हमें ही चोर बना देता है, जैसे हमारे घर को मालिक वही हो। गोपिकाओं की बातें सुन सुनकर यशोदा दिखावे के तौर पर बड़ा गुस्सा करती है कि आने दो उसे घर, इस बार उसकी खबर न ली तो कहना। वह उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देती। वह कान्हा को घर आने पर दंड देने का विचार करती, पर उसके आते ही वह गोपियों की कही बातें भूल जाती और कृष्ण को दुलार करने लगती। उससे पूछती, क्यों रे, घर में माखन क्या कम होता है जो तू गोपियों के घर में घुसकर माखन चुराता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैया, मैं माखन नहीं खाया। अपने कानों को हाथ लगाकर वे कहते, गोपियां तो बेकार में बदनाम करती हैं। एक बार कन्हैया ने मिट्टी मुंह में डाल ली तो बलराम ने जाकर घर पर कहा, मां, कान्हा ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कान्हा को पकड़ लिया और उसका मुख खुलवा कर देखा कि सच क्या है। इस पर श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई, दाऊ झूठ कह रहे हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। यशोदा ने कहा, अच्छी बात है, तो जरा अपना मुख तो खोल कर दिखा। माता के कहने पर कृष्ण अपना मुख खोल कर दिखाते हैं। उसमें ब्रह्मांड को देखकर यशोदा सहम जाती है कि यह कौन है। वह मन ही मन उन्हें नमस्कार करती है और सोचती है कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कि कहीं देखने में मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया। ऐसा लगता है कि मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि है। सब बातों को भुलाकर वह श्याम को अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार करती है। उसे लगता है कि यह सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। वह हंसकर हर बात को टाल जाती है। परीक्षित, सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनकी लीलाओं को गाते हुए जरा नहीं थकते, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना प्रिय पुत्र मानकर अपनी गोद में हिलाती डुलाती रहती हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, नंद बाबा ने और यशोदा ने
ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था जो श्री कृष्ण ने उनका सहारा लिया। यशोदा के स्तनों से दुग्ध पान करके श्री कृष्ण ने तो एक प्रकार से उन्हें मोक्ष पद ही दे दिया। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, वे इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण करने वाले लोगों के सारे पापों का नाश हो जाता है। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष सदैव उनकी स्तुति गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके असली माता पिता को देखने को क्यों नहीं मिली, परंतु नंद और यशोदा उनका सुख प्राप्त करते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद बाबा एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था और पत्नी का नाम धरा था। एक बार ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहा, तब उनके आदेशों का पालन करने की इच्छा से उन्होंने कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी प्रेममयी अनन्य भक्ति हो। इस भक्ति से संसारी लोग अनायास ही विपत्तियों से पार पा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके आशीर्वाद से द्रोण और धरा इस जन्म में नंद और यशोदा के रूप में जन्मे। राजन, इस जन्म में जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान श्री हरि ने जब कृष्णावतार लिया तो उनके लालन पालन का अधिकार नंद और यशोदा को ही मिला। दोनों का उनके प्रति अनन्य प्रेम हुआ। नौवां अध्याय। श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक समय की बात है कि यशोदा ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लल्ला को खिलाने के लिए मक्खन निकालने के लिए दही बिलोने लगी। उसी समय श्री कृष्ण घुटनों घुटनों चलते हुए माता यशोदा के स्तनों से दूध पीने की इच्छा से वहां आए। उन्होंने हाथ उठाकर दही मथने वाली मथानी पकड़ ली। वे अपनी माता की गोद में चढ़ गए। माता यशोदा ने बड़े लाड से बालक कृष्ण को गोद में लिटा लिया और दूध पिलाने लगी। इतने में ही अंगठी पर रखी दूध की हंडिया में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा ने कृष्ण को अतृप्त ही छोड़ दिया और हंडिया उतारने के लिए चली गई। इधर कृष्ण ने मथानी को पकड़कर इतनी जोर से पटका कि हंडिया टूट गई और सारा दही फर्श पर बिखर गया। यशोदा लौटी तो दही की मटकी फूटी देखकर उन्हें गुस्सा तो आया, पर अपने लाडले की करतूत जानकर वे बनावटी गुस्से में बोली, ठहर जा, अभी तेरी खबर लेती हूं। उन्होंने पास में पड़ी एक छड़ी उठा ली। उसे देखकर कृष्ण जल्दी से घुटनों घुटनों चलकर भाग खड़े हुए। यशोदा ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक उखल से बांधकर दो पेड़ों के बीच की जगह में उखल को फंसा दिया और बोली, अब देखती हूं कि तू भागकर कहां जाएगा, पड़ा रह यहीं पर। परीक्षित,
यशोदा को क्या पता था कि जिसे वह बांध रही है वे तो स्वयं परमेश्वर हैं, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, जो इंद्रियों से परे और अनियक्त है। परंतु इस समय वे यशोदा के लिए साधारण बालक मात्र हैं। श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी उनके वश में हैं। संपूर्ण चराचर जगत के वे स्वामी हैं, परंतु वे भक्तों के वश में हैं। तभी तो वे इस प्रकार रस्सी से बंधे हैं। यशोदा को भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई, वह तो स्वयं लक्ष्मी, शंकर और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हो सकी। यह कृपा, यह प्रेम, यह भक्ति तो उन्हें ही प्राप्त है जो निष्काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। देहाभिमानी, कर्मकांडी एवं तपस्वियों को भी यह भक्ति प्राप्त नहीं है। परमात्मा ज्ञान से नहीं, भाव से बस में होते हैं। उन्हें बांधकर यशोदा तो अपने काम में लग गई। इधर कृष्ण ने जरा सा जोर लगाकर उखल को खींचा तो दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वे दोनों वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र यमलार्जुन थे। इनके नाम नलकुबर और मणिग्रीव थे। धन धान्य और ऐश्वर्य से ये भरपूर थे, परंतु ये बड़े अहंकारी थे। इनके घमंड को देखकर ही नारद जी ने पूर्व जन्म में इन्हें वृक्ष होने का शाप दिया था। तभी से ये दोनों युग में वृक्षों के रूप में खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया। दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमन करके स्वर्ग सिधार गए। परीक्षित, यशोदा ने वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई और वहां का दृश्य देखकर कांप उठी। दो गिरे हुए वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए खेल रहे थे। यशोदा ने दौड़कर बालक की रस्सी खोली और उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसका हृदय गहरी आशंका से अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। दसवां अध्याय। यमलार्जुन के शाप की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, नलकुबर और मणिग्रीव को नारद जी ने शाप किस लिए दिया था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ही कुबेर के लाडले पुत्र थे। अत्यधिक शिव भक्त होने के कारण इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में होती थी। एक तो ये धनी थे और ऊपर से शिव भक्त होने के कारण इन्हें बड़ा घमंड हो गया था। भगवान शंकर ने इन्हें अपने अनुचरों में जगह दी थी। एक दिन की बात है कि ये दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर वारुणी पीकर अर्थात मदिरा पीकर मदोन्मत हो गए थे। वह स्थल कैलाश का रमणीय उपवन था। बहुत से स्त्रियां पुष्पों से लदे उस उपवन में इनके साथ विहार कर रही थीं। मदमस्त होकर वे गंगाजल में प्रवेश कर गए और क्रीड़ा करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद संयोगवश उधर आ निकले। देवर्षि नारद को देखकर
वस्त्रहीन स्त्रियां तो लजा गईं, उन्होंने तो अपने कपड़े पहन लिए, पर यक्ष के इन दोनों पुत्रों ने वस्त्र नहीं पहने। तब देवर्षि नारद ने इन्हें शाप दिया। धन संपत्ति का नशा मनुष्य क्या, देवताओं की भी बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐश्वर्य और संपत्ति के मद में अंधे होकर वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते और अपने शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं, जबकि मृत होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसे नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर भला किसकी संपत्ति है? इसे गर्भाधान कराने वाले पिता की अथवा 9 माह अपने पेट में रखकर विकसित करने वाली माता की? यह शरीर क्या उस स्वामी का है जो धन देकर इससे काम कराता है? चिता की धधकती आग में यह जल जाता है, अथवा कुत्ते स्यार इसे लवारिस समझकर खा जाते हैं। यह शरीर प्रकृति से जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसे अपनी आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाता है? मद में अंधे व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत दरिद्र होती है। जिसने कभी कांटे के गड़ने की पीड़ा न सही हो, उसे दूसरे के कष्ट की चिंता कैसे हो सकती है? दरिद्र व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वह मद से बचा रहता है। भूख से व्याकुल व्यक्ति इंद्रिय सुखों के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह किसी की हिंसा नहीं करता। संतों की संगति से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, परंतु ये दोनों यक्ष पुत्र वारुणी के नशे में मतवाले हो रहे हैं, अंधे बने हुए हैं। ऐसे इंद्रिय लोलूप अहंकारी व्यक्तियों का नाश होना आवश्यक है। ये दोनों नंग धड़ंग हैं, इसलिए ये वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। 100 वर्ष बीत जाने पर ही भगवान की कृपा से इन्हें अपना लोक पुनः प्राप्त होगा। तब तक इनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद ने इन्हें शाप दिया और नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव तभी से अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नारद जी के कथन को पूरा करने के लिए ही इन दोनों वृक्षों का उद्धार करने के लिए यह लीला रची थी। इन दोनों का उद्धार होने पर दोनों ने भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह अव्यक्त जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुण हैं। आप ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव और धर्म तथा सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। आप ही समस्त प्रपंच के निर्माता हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप परम कल्याण स्वरूप हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवर्षि नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारा मस्तक आपके सामने झुका है, हमें क्षमा करें और हमें पुनः अपने लोक में जाने की आज्ञा दें। परीक्षित, उन दोनों के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर
भगवान ने उनसे कहा, तुम लोग संपत्ति के मद से अंधे होकर इंद्रियों के दास हो गए थे। देवर्षि नारद के शाप से ही तुम्हें 100 वर्ष तक इस जड़ योनि में रहना पड़ा। अब उन्हीं की कृपा से तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए नलकुबर और मणिग्रीव तुम लोग अब अपने घर जाओ। तुम्हें अब वह भक्ति भाव प्राप्त हो गया है जो सभी को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है। परीक्षित, भगवान के ऐसा कहने पर दोनों उत्तर दिशा की ओर जाकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार 10वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।